नंबर दो देखिए, कह रहा है कि उस बिंदु का बिंदु पथ निकाले जिसकी दूरी बिंदु 1.2 से सदा 2 इकाई। आ गया ना इस तरह का क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो हमेशा उस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है जिसकी दूरी इस बिंदु से, यानी कि एक बिंदु है 1.2, 1.2 एक बिंदु है ना, इस बिंदु से उसकी उस बिंदु की दूरी क्या हो रही है, सदा 2 इकाई हो रही है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वो बिंदु P है और इसका निर्देशांक हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं और यह इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा क्या हो रही है, 2 इकाई हो रही है, हमेशा 2 इकाई हो रही है। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये वृत्त पे मूव कर रहा होगा, वृत्तीय पथ पर मूव कर रहा होगा, घूम रहा होगा, तभी ना ऐसा हो रहा है। चलिए समझ गए, यानी कि यह हमेशा समान दूरी पर रहने का मतलब यह है कि ये आपका वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी एक तरह से, ये ना होगा, ये आपका कितना दिया है, 2 इकाई दिया है। ठीक है, तो इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं O। ठीक है, चलिए यहां लिखेंगे कि माना माना बिंदु बिंदु PXY का बिंदु पथ O 1.2 से सदा सदा 2 इकाई दूरी पर है। ठीक है, 2 इकाई दूरी पर है, यानी कि ये इसी पे ना मूव कर रहा है। अच्छा, तो यानी OP बराबर यहां से 2 इकाई हो जाएगा। अच्छा, OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ना, लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, पता ही है वर्ग क्यों करते हैं, रूट ना लगे इसलिए, वर्ग करने पर। चलिए यहां से हो जाएगा OP स्क्वायर, तो यहां से दूरी सूत्र लगाएंगे ना, तो हो जाएगा x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर बराबर में आपका हो जाएगा 4। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x2 (x)(1+1)² y2 (y)(2+2)² = 4। देखिए तो ये भी तो 4 ही है ना, काट सकते हैं डायरेक्ट, 2 का स्क्वायर 4 ही ना होगा। चलिए तो यहाँ बच जाएगा x2 + y2 - 2x - 4y + 1 = 0, यही आपका बिंदु पथ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन